हेलो, नमस्ते पेरेंट्स, सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और आप नई नई चीज़ें जो सीख रहे हो, खुश तो होना ही है। आपको पता है, जिस तरह हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, उसी तरह हिंदी में भी अक्षर होते हैं। अक्षर कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो आज हम आपको स्वरों के बारे में बताएंगे। आओ, आप मेरे साथ सीखोगे बच्चों? चलो। सबसे पहला स्वर होता है अ। अ से अनार, अदरक, अजगर। आ से आम, आलू। ई से इमली, इंद्रधनुष। ई से ईख, ईंट। आ बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? ऊ से उल्लू, उपहार। ऊ से ऊन, ऊंट। रू से ऋषि। ए से एड़ी, एक तारा। ऐ से ऐनक, ऐरावत। ओ से ओखली, ओढ़नी। ओ से औरत। अंग से अंगूर। और अ का घर है खाली। तो बच्चों, आज हमने इन स्वरों के बारे में जाना। अब हम एक छोटी सी कविता करेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए सीखते हैं एक छोटी सी कविता। अ से अनार, लाल दानेदार। अ से अनार, लाल दानेदार। आ से आम, मीठा मीठा आम। आ से आम, मीठा मीठा आम। ई से इमली, खट्टी मीठी इमली। ई से इमली, खट्टी मीठी इमली। ई से ईख, ऊंचा होना सीख। ई से ईख, ऊंचा होना सीख। ऊ से उल्लू, दिन में सोए उल्लू। ऊ से उल्लू, दिन में सोए उल्लू। ऊ से ऊन, बड़े काम की चीज। ऊ से ऊन, बड़े काम की चीज। रू से ऋषि, रू से ऋषि। हो रही है ना भाई सबको खुशी। ए से एड़ी, टेढ़ी मेढ़ी एड़ी। ए से एड़ी, टेढ़ी मेढ़ी एड़ी। ऐ से ऐनक, दादाजी की ऐनक। ऐ से ऐनक, दादाजी की ऐनक। ओ से ओखली, अंदर से है खोखली। ओ से ओखली, अंदर से है खोखली। ओ से औरत, ममता की है मूरत। औ से औरत, ममता की है मूरत। अंग से अंगूर, मीठे हरे अंगूर। अंग से अंगूर, मीठे हरे अंगूर। अह का घर है खाली खाली। अह का घर है खाली खाली। बच्चों बजाओ ताली ताली। तो बच्चों देखो, आज आपने सारे स्वरों के बारे में जाना। तो अब आपको पता लगा हिंदी में इनको स्वर कहते हैं। अ से अह तक। अब आप ये कविता याद करोगे और हमको सुनाओगे। हाँ, और एक बात का ध्यान जरूर रखना है, अपने हाथ धोते रहना है। अपनी सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ओके।